हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल यूट्यूबर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टूडेंट, फाइनली जो है आज से जेईई मेंस का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गया है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है या जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्या क्या गाइडलाइंस है उसको समझने में दिक्कत आ रही है कि एग्ज़ाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है, एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम कैसे होगा, इसको लेकर के हम इस वीडियो में आ चुके हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो है वो NTEA द्वारा जारी किया गया है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं jeeemain.nice.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो अभी सेशन 2 का जो फॉर्म ऑनलाइन है वो हो रहा है, अभी एग्जाम सेशन 1 का हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑफ JEE 2022 सेशन 1। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही वेट करेंगे वहां पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन और जो सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको इंटर करना है। तो चलिए मैं एप्लीकेशन नंबर जो है वो इंटर कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर जो है वो इंटर करके डेट ऑफ बर्थ मैं इंटर करता हूँ। फाइनली यहाँ पे हमने अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन को इंटर कर लिया है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देख सकते हैं मेरा एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स नेम आपका लिखा रहेगा, क्वेश्चन पेपर का मीडियम लिखा रहेगा, आपका एग्जाम कब है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा, शिफ्ट कौन सा है, रिपोर्टिंग एंड एंट्री टाइम क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद टाइमिंग ऑफ टेस्ट क्या है, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम जो सेंटर है वो कहाँ पर आया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा पटना। ठीक है, IIT पटना जो है वहाँ पे इसका एग्जाम सेंटर पर आया है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है डिक्लेरेशन फॉर्म का। ठीक है स्टूडेंट, डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसका भी प्रिंट आपको लेकर के जाना है। ये कोविड डिक्लेरेशन फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई हैव बी इन लास्ट 14 डेज, अगर लास्ट 14 दिनों में आपको कुछ रहा है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, नहीं तो इसको टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉड, नॉट एनी मैंडेटरी क्वारंटाइन, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद क्लोज इन यहाँ पे कन्फर्म मीन्स लेस देन 1 मीटर और 15 मिनट, यहाँ पे लिखा है बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ कन्फर्म केस और 19, यहाँ पे आपको टिक नहीं करना, बस सेकंड में टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप अगर आप 14 दिनों के अंदर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ठीक है स्टूडेंट, 14 दिनों के अंदर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको जो है वो लीव करके छोड़ देना है। ठीक है, आपको उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक फ़ोटो पेस्ट करना है जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन लगाना है लेफ्ट हैंड का। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद कुछ गाइडलाइंस जो है वो JEE Mains के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर आपको अपना पर्सनल वाटर बॉटल लेकर के जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल वाटर बॉटल के बाद आपको ID प्रूफ जो है वैलिड वो लेकर के जाना है। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आपको ब्लू या ब्लैक जो है वो लेकर के जाना है। उसके बाद एडमिट कार्ड और उसके साथ साथ जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे जो आपने डिक्लेरेशन फॉर्म जो देखा है यहाँ पे, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसका भी प्रिंट आपको लेकर के जाना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपको फोटो लेकर के जाना है अटेंडेंस सीट के लिए, 2 एक्स्ट्रा फोटो लेकर के जाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मास्क लगा के रखना है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस हैं वो नॉर्मल गाइडलाइंस है। ठीक है, उसके बाद नो परमिशन इंटर द गेट, क्लोजिंग गेट क्लोज होगा उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, या एडमिट कार्ड नहीं है तब भी एंट्री नहीं मिलेगा, वैलिड आईडी कार्ड के साथ आपको एंट्री नहीं मिलेगा। जिन भी स्टूडेंट के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं है तो वो 10th 12th का अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर के जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ठीक है,
अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारी एक एक्सपर्ट की टीम है जो आपको बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन लेने में पूरी हेल्प करेगी और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो योजना है बिहार गवर्नमेंट का, उसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार के या इंडिया के किसी भी कॉलेज में, तो 4 लाख तक का लोन लेकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।